तो हम पहुंच गए एंड दिस इज़ द बाबे सवात। ये सवात रिवर है और साथ में ही अब यहाँ हम आए हैं मास सफदर के रिजॉर्ट में। तो ये वो एरिया है जो जिसका मैंने आपको नाइट टाइम व्यू दिखाया और ये सुहेल और बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं सीनरी। ये अभी इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 10:30। Assalamualaikum everybody, I hope you all doing good. So, हो गए सबके बच्चों के विंटर हॉलीडेज और आई वॉज अबाउट टू से समर। तो 22 को जो है वो यानी कल मेरे दोनों बच्चों के हॉलीडेज स्टार्ट हुए हैं। एक को फर्स्ट से स्कूल जाना है, एक को 9th से स्कूल जाना है और हमें एक एडिशनल ऑफ मिल रहा है मंडे को, विच इज़ लाइक 25th of December। तो हमने सोचा ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। तो ये हमारा एक स्पॉन्टेनियस प्लान है, लाइक एनी अदर प्लान दैट वी मेक, यूजली हमारे प्लान स्पॉन्टेनियस ही होते हैं। और हमने सोचा कि लेट्स हैव अ ट्रिप टू सवात। वी डोंट नो हम कितना आगे तक जाने वाले हैं लेकिन बस जाने वाले हैं। एंड वी गोना पार्टी हार्ड एंड वी गोना एंजॉय दिस ट्रिप अ लॉट इंशाल्लाह। तो यहाँ बच्चे गेयर अप करके बैठे हैं। हाय मिनहाल, वेयर आर यू? ये सो बॉस, इनके पता नहीं लेग में कुछ रात में था, पेन में था, मैंने कहा कुछ ले ले, मेडिसिन ले ले, well, let's just go. पर बाहर आए तो I'm sure अच्छा फील करे। चले जी, stay tuned, stay connected and I'll see you on the other side. हाँ जी, तो ये डायरेक्शन इसकी, हम अब मुड़ रहे हैं पेशावर वाली साइड पे। ये मोटरवे क्या कहलाता है? M1 मोटरवे। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो गया राइट साइड पे और ये हम चढ़ गए पेशावर हजारा मोटरवे पे। जी ये स्टार्ट होता है यहाँ से इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे। और यहाँ से मोटरवे चेंज हो रहे हैं, ये एबटाबाद की साइड पे गिलगित मानसहरा वाली साइड जा रही है, हजारा मोटरवे है और हम जा रहे हैं यहाँ से स्ट्रेट। अच्छा जी, अब हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं सवात मोटरवे पे, चकदरा सवात। Continue on Swat motorway for 51 kilometers. ये ऑलरेडी आपको बता नहीं है, आप सुन सकते हैं। ये आया जी इंटरचेंज, कैप्टन कर्नल शेर खान टोल प्लाजा। सो गाइस, अभी हम एक ब्यूटीफुल से रेस्ट एरिया पे रुके हैं। हेलो बच्चे, यहाँ बैठे हुए सी, इतना मजे का व्यू है, बहुत अच्छा सा वेदर भी लाइक। अभी फिलहाल तो सनी है लेकिन डेफिनेटली गर्मी तो नहीं हो सकती। तो वेल, वी एंजॉइंग आवर टाइम और हम सोच रहे हैं कि हल्का फुल्का सा कुछ लंच कर लेते हैं, कुछ स्नैक्स लेते हैं। हाँ, या स्नैक्स ले ले, स्नैक्स तो हम इधर से लेंगे लेकिन लंच तो हम करेंगे। हाँ, तो लंच हमारा होममेड है। तो ये हम अपने स्मॉल से जो भी हमने मील पैक कर सके हम लाइट्स अपने साथ लेकर आए हैं, बिकॉज यहाँ पे सी राहत बेकर्स और यू नो इस तरह की बेसिक सी चीज़ें बनी हुई हैं। तो बच्चों के लिए कुछ भी हल्का फुल्का सा जब आप हाईवेज पे निकले तो डेफिनेटली पैक कर लिया करें। हाँ जी, तुम क्या खा रही हो? मैं हैश ब्राउन वाला चाय। अच्छा, चाय लेके आई हुई हो? वाह, इतनी बड़ी बॉटल में। सबकी बॉटल्स में, सबके थर्मस में पानी है। ये देखिए, हमारे पास पानी है और यहाँ पर चाय भरी हुई है। चाय से चलती गाड़ी में पिए, रुक के पिए, सोते हुए पिए चाय। सही है, सही है। तुम्हारी चाय पूरी हो रही है तो बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए। पीसफुल लाइफ। मोटरवे से हम उतर गए हैं और ये सवात मिंगोरा की तरफ जा रहे हैं 41 किलोमीटर्स अवे। और ये नॉर्मल हाईवे है, सर एक्सप्रेस वे है। अभी ये आगे एक रेगुलर जो एक्सप्रेस वे है वो स्टार्ट हुआ है, लेकिन M1 and M16 जर्नी वॉज गुड। ऑलराइट, तो हम पहुंच गए एंड दिस इज द बाबे सवात। ये हम सवात सिटी एंटर हो गए। ओ मैन, ये माल्टे वाले चेक करें। यहाँ पे फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है पानी पाल, फेमस
काफी और चीजें हैं यहाँ पे। पीच जो है वो यहाँ का काफी फेमस है। पीच भी? ओह नाइस। यही देख रहे हैं अभी ऑरेंजेस के इतने और मजे मजे लग रही है। वो जो कोई स्पेसिफिक रेड कलर वाला है वो भी इधर का है ना? आपने भी है, वो यहाँ का है। सर हम वे बैक की चीजें लेते हुए जाएंगे। वेल अभी हम यहाँ उतरे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी बड़े मजे मजे के ब्रांड्स बने हुए हैं। सफायर है, नीचे मिनी माइनर्स, हॉपस्कॉच, स्टाइलो, आइडियाज, बड़ी मजे की जगह है। सो गाइज वी आर एट स्टाइलो सवात राइट नाउ। और मेरे हाथ के ना एक्चुअली मुझे लॉन्ग शूज लेने थे जो मैं वहाँ से लेना भूल गई, तो आई लाइक दिस वन। और एक पिंक में है वो मैं फाइनल कर चुकी हूँ बिकॉज थोड़ी जल्दी है तो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं लिया। सो यहाँ हमने मेरे हाथ के लिए ये शूज़ खरीदे हैं अभी अभी। और एंड आई ऑल्सो बॉट दिस लिपस्टिक शेड फॉर मी। तो गाइज अभी तो काफ़ी डार्क है, शाम के 6:30 बज गए हैं। और ये सवात रिवर है और साथ में ही अब यहाँ हम आए हैं मास सफदर के रिजॉर्ट में। बड़ा अच्छा सा बना हुआ है ये, यहाँ से हम ऊपर चलेंगे। यहाँ एंटर होते हुए ना हमें तकरीबन इस्लामाबाद नंबर प्लेट की गाड़ियाँ नजर आई हैं। सो गाइस लेट मी जस्ट गिव यू रूम टूर। हम यहीं MS रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट पे हैं विच इज़ लाइक ओन बाय मास सफदर। और लेट मी शो यू द रूम। टाडा, हाय फैमिली। बड़ी मज़े का है, लाइक ये देखें, एक हमें डबल बेड यहाँ पे मिला है और एक सिंगल बेड उधर, एंड मिरर, हेलो, और इन्वर्टर वगैरह, लाइक एवरीथिंग दैट वी नीड। बच्चों का मील आ चुका है, क्या मंगवाया है बच्चों ने? कौन सा पिज्जा? चिकन सुप्रीम। ये है मेरहा का। और यहाँ आ चुकी है मटन कढ़ाई मेरी और आमना के लिए। और ये है नान और ये है रोटी। भूख लग रही है। चलो स्टार्ट करते हैं जी। अभी बिनहाल मेरहा, गो टू योर बेड। यहाँ भी ये खराब नहीं करो। अब ये सब बाउंस करने वाले हैं यहाँ घंटों तक। गुड मॉर्निंग मिनहाल। और यहाँ कोई अभी तक सो रहा है? मेरहा। ओह माय गॉड गाइस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ये देखें जी, दिस इज लाइक सवात रिवर। अच्छा इतना पता नहीं ड्राई क्यों लग रहा है, तो बहुत इतना फ्लोई सा था पानी, ऐसा लग रहा है जैसे कम स्नो से पहले आए हैं जब हम। अच्छा ना, मार्च अप्रैल में तब वो ग्लेशियर भी पिघल रहे होते हैं, तब ज्यादा होता है। हम मोस्टली समर्स में आते हैं। सो हाउ इज द मॉर्निंग? ट्रिप करवाते हैं रिजॉर्ट का? फिर ये ब्लॉग एंड होगा। ओके गाइज, हमेशा नाश्ता करने के बाद मुझे नाश्ते की वीडियो बनाना याद आती है ना मेरहा? ये बच्चे अभी नाइट सूट्स में ही आए हैं, हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, आपको रिजॉर्ट का टूर देंगे और उसके बाद होंगे अपने आगे के डे को स्टार्ट करने के लिए रेडी। जी तो ये वो एरिया है जो जिसका मैंने आपको नाइट टाइम व्यू दिखाया। और ये सुहेल और बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं सीनरी। ये अभी इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 10:30। यहाँ अभी हम अंदर से, ये हमारा रूम है बाहर, ये विंडो हमारे रूम की नज़र आ रही है। इट्स ब्यूटीफुल वेदर, मैं ऊपर दिखाती हूँ सारा आपको। सो गाइज इट्स द मेन रिसेप्शन एरिया। और अच्छी एंट्रेंस अच्छी है, ऊपर भी अभी इनकी मज़ीद कंस्ट्रक्शन चल रही है।
लेकिन कुछ चीज़ें आई वुड टेल यू गाइस. वैसे तो इट्स ब्यूटिफुल, सी लाइक मॉस्क है, बाहर का व्यू अच्छा है, दैट्स द मेन एंट्रेंस. और अभी मुझे अपना सांस फुलाते हुए ऊपर जाना पड़ेगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स हैं यहाँ से. हम ऊपर ना वो लेफ्ट साइड वाले पार्किंग एरिया को हमने एक्सेस किया था और उन स्टेयर से नीचे हम रूम्स की तरफ गए. फिर यहाँ भी आपके कुछ एग्जीक्यूटिव रूम्स आते हैं वहाँ टॉप पे, और पार्किंग एरियाज इनके दो तीन बने हुए हैं. वहाँ भी देखें टॉप पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं. अर्ली मॉर्निंग हील्स में चल के तुम लोगों को मैं रिव्यू दे रही हूँ. ये देखें आउटडोर. अच्छा, जो मुझे यहाँ पे अजीब लगा है ना, वो थोड़ा इनका सर्विसेज का सीन है विच इज़ वेरी स्लो. फिलहाल सीजन नहीं है, ठंड में कम लोग आते हैं, लेकिन स्टाफ इनका ऑनेस्टली बावला हुआ हुआ था. अब जो मंगा रहे हैं बड़ी देर देर से मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा. एंड नाउ दिस इज़ अली विलेज. ये इनके जो विलेज सूट्स कह सकती हूँ वो ये वाले, दैट वन. ये इसकी एंट्रेंस है. ये देखें, ये मैं टॉप से दिखा रही हूँ आपको. बाहर इसके भी सीटिंग एरिया है. और ये देखें बड़ी मज़े की ना विलेज थीम पे डोर. वैसा ही अंदर रूम्स ये नॉर्मल रूम्स की तरह ही है जैसे होने चाहिए. जो एक्सटीरियर है इसका वो इस तरह का बनाया गया है. और अभी जो ऊपर आप देख रहे हैं ये कंप्लीट एक हॉल है. मैन मेरा इतना सांस फूल रहा है, लेकिन देखो यार मैं कितनी हाइट कितना नीचे से आ रही हूँ दिखाने के लिए. सो आई एम ऑन द टॉप. अब यहाँ पे मजीद ये कंस्ट्रक्शन चल रही है इन लोगों की. ये देखिए कितना मजे का व्यू है. ये बस ये गेन रूम्स की साइड है. आई थिंक आई शुड गो अप. पहले रात को मैंने उस हिल ने बड़ी लंबी सी वॉक की थी, लेकिन मैंने आई थिंक ये एरिया एक्सप्लोर रात में नहीं किया. अभी विल माइट गेट रेडी एंड कम फॉर द पिक्चर्स हियर. सो इट्स नाइस, इट्स स्पेशियस. मेरे ख्याल से आप आए कोई इवेंट्स हों, एम ही बड़ी फैमिली हो, वर्कशॉप करे हों, तो इट्स अ नाइस एरिया. ये हैंडीक्राफ्ट शॉप है. आई थिंक इट्स नॉट ओपन राइट नाउ, लॉक लगा हुआ है. ये देखिए एग्जीक्यूटिव एरिया के बाहर भी ये बड़ा अच्छा सा प्राइवेट सा सीटिंग एरिया दिया हुआ है. और ये हम पतली पतली गलियों में से गुजरते हुए, इतनी मैंने वॉक की है ना, अगर इसमें 3 मिनट का आएगा ना, ट्रस्ट मी मैं 20 मिनट चली हूँ. ये देखिए ये कितना मज़े का है. वाओ. एंड दैट्स अ पूल बाय द वे. समर्स में ये इसको ऑन ओपन रखते हैं और फिर ये एक अच्छी सी लॉन को आप क्रॉस करते हैं तो वो टॉप पे आप देखें. ये रात को मैं और सुहेल वहाँ अकेले बैठे हुए थे, बच्चे सो गए रूम में और हमने काफ़ी ज़्यादा देर बैठ के वहाँ पे वो हमने बार वॉक की, हमने चाय पी, बहुत देर हमने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया. वी रियली एंजॉयड इट. तो अब बस में उतर रही हूँ रूम में जाने के लिए. रेडी होना है और व्लॉग एंड करना है. और अगले व्लॉग में ही असल में जूसी कंटेंट नेक्स्ट व्लॉग में आता है. ये जो ट्रैवलिंग और रिव्यूज़ होते हैं ना, बस ये तो होते हैं ना. सी पीपल आर टेकिंग ब्यूटिफुल फैमिली पिक्चर्स हियर. ये लेफ्ट पे आ गई है जी पार्किंग लॉट. और अब हम चलते हैं नीचे. अब यहाँ से आप रूम्स के लिए नीचे उतरते हैं जिस एरिया. तो अब हम आ गए हैं रूम की तरफ. लेट मी सी इफ किड्स एंड सुहेल आर इन द रूम. नॉक नॉक. अब यहाँ हुए मेरे कपड़े रेडी और बच्चे अभी भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बेड पे लेट के. तो गाइज इट वॉज ओवरऑल अ नाइस बट अ लिटिल टायरिंग डे बिकॉज हमने ट्रेवल किया सेम डे में, रिजॉर्ट ढूंढा, स्टे किया, काफ़ी चीज़ें की, लेकिन वी इन्जॉयड इट ऑल्सो. और एक चीज़ मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे आएँ तो इनके जो ऑनलाइन प्राइस आ रहे हैं और जो एक्चुअल प्राइस हैं आप इनके फ़ोन पर कन्फर्म करें, बिकॉज जो इन्होंने ऑनलाइन प्राइस दी हुई है उससे ये डबल चार्ज करें. तो जब हम आए, खैर हमने भी अपने हिसाब से बार्गेन किया एंड में, लेकिन स्टिल वो प्राइस पे नहीं की जो इनकी ऑनलाइन आ रही उससे ज़्यादा ही पे की. और दूसरा ये कि सर्विसेज वो स्लो. यस, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी. अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है, बनावा बहुत अच्छा है, एवरीथिंग, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो बड़ी मैटर करती है.
और इसमें यह था कि मुझे इनकी सर्विसेज थोड़ी सी स्लो लगी, वेटर्स या लड़के बस भाग रहे हैं, बावले हुए हैं, लाइक दे डोंट नो क्या करना है, लाइक यू नो आप कुछ ऑर्डर करें, कुछ सेल का गुस्सा आ रहा है, तो आप कुछ ऑर्डर करें, कोई चीज़ करें, सो इट्स लाइक के यू हैव टू वेट. सो बस आज का ये इतना ही था. अब हम जा रहे हैं आगे मालम जब्बा की तरफ, और नेक्स्ट ब्लॉग आप मालम जब्बा का कल देखेंगे होपफुली. एंड स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, आई सी यू गाइज विद अनदर ब्यूटिफुल कॉन्टेंट इंशाल्लाह. चेक आउट, अल्लाह हाफिज़.